अपना लोकल एरिया है उसमें कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा, पूरा मिलता है या चार महीना में एक बार, या वो भी पूरा नहीं मिलता? पूरा नहीं मिलता, वो भी पूरा नहीं मिलता, नहीं मिलता। आमने कभी नहीं आया ना, उसको सबको मिल रहा, जो अदर 60 इयर्स नहीं उसको तो नहीं मिल रहा। और जो विधवा पेंशन होता है वो भी नहीं मिल रहा। आपको रोड का सिचुएशन दिखा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो दरअसल कि आप रोड का हकीकत देखना है आपको, और साथ साथ में यहाँ के जो विधायक हैं न्यामार करबक उनका भी हकीकत दिखाना है। दोनों को एक्सपोज करना हमारा काम है कि क्या कुछ बोला गया और क्या कुछ हुआ है लिरोमोवा के अंदर में। लिरोमोवा का आप ये हालत देख ली सड़क का, ये बड़ा सा तालाब है, इसमें हो सकता है फिशिंग वगैरह भी हो सकता है, कभी कभी जो मछली खाने के लोग होंगे वो इसमें फिशिंग करते होंगे। और आपको एक देहाती कहावत आपको हम सुनाते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं इसलिए उस वहाँ की कहावत सुनाते हैं। एक कहावत है कि घर में नहीं खाने को और अम्मा चली भुजाने को। सेम सिचुएशन है हमारे करबक के ऊपर बैठ रहा है कि यहाँ के एरिया जो अपना लोकल एरिया है उसमें कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा, और दूर दूर वेस्ट आलो और कहाँ कहाँ जा जाके अरुणाचल प्रदेश अदर अदर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ का कोई इशू होने से उनको बता रहा है। तो आप ये पूरा उनका हकीकत देख लीजिए कि क्या कुछ उन्होंने डेवलप किया है और किस प्रकार से डेवलप किया है। इसको थोड़ा इधर दिखा दीजिए ऐसे करके, फिर इधर दिखा दीजिए, जहाँ तक आप जाएंगे वैसे आपको करप्शन ही करप्शन दिखाई पड़ेगा। एक बार आप थोड़ा इधर में भी दिखा दीजिए कि यहाँ में क्या कुछ डेवलप हुआ है माननीय न्यामार करबक विधायक द्वारा। बस मैं आकाश शुक्ला, मैं इस वक्त लिरोमोवा विधानसभा क्षेत्र के दौरदी विलेज में आया हूँ। बस्ती अगर हम लिरोमोवा टाउन से बात करते हैं तो वहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे है, और हम बस्ती में जाके हम यहाँ के जो लोग हैं लोकल उनसे पता कर रहे हैं कि क्या क्या सरकार से उनको मिल रहा है और क्या कुछ मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग जो महसूस किए रोड का, यहाँ पे हम लोग जो बीच में आ रहे थे तो रास्ता काफ़ी ख़राब हालत में हमको दिखा, और बस्ती में तो रास्ता मानो कि कभी सीमेंट RCC या ईंट पत्थर कुछ भी कई प्रकार का किसी प्रकार का रास्ता है ये नहीं है। रास्ते के लिए भी आप ऐसे ही दिखाओ, बस्ती वाले लोगों को जो ऐसे ऐसे रास्तों से होकर सफ़र करना पड़ता, आप सोचो कि बरसात के समय में लोग अपना कैसा जीवन यापन करते होंगे और कैसे कैसे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ यहाँ के एक लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि सरकार से इनको क्या कुछ मिल रहा है और क्या कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम जय बोमिया। जय बोमिया आपका नाम है, ये दौड़दी बस्ती है ना? दौड़दी बस्ती। तो यहाँ में जैसे हमने देखा कि आपका यहाँ में जैसे हमने आपको देखा कि ये आपका जो घर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं बना हुआ है? नहीं बना। तो क्या आप करोड़पति हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम गरीब हैं। तो आपको सरकार से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? नहीं मिला। टॉयलेट बाथरूम वगैरह जो बाथरूम का मिलता है, शौचालय? नहीं मिला। वो भी नहीं मिला? नहीं मिला। राशन हर महीना मिलता है? राशन चार महीना का, एक महीना का मिलता है। चार महीना का, एक महीना? वो पूरा मिलता है या चार महीना में एक बार, या वो भी पूरा नहीं मिलता? पूरा नहीं मिलता। वो भी पूरा नहीं मिलता, नहीं मिलता। एमएलए कौन है यहाँ का? एमएलए न्यामार करबक। न्यामार करबक विधायक यहाँ का, लिरोमोवा में आता है ना ये? लिरोमोवा में आता है। और ये बेसिकली हम लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पे, क्या नेटवर्क वगैरह का इशू? नेटवर्क नहीं है हम लोग का, यहाँ हम लोग गिलोन में डाल के हम लोग बात करते हैं, गिलोन में डाल। ये भी मतलब चलो कम से कम खोज किया इन्होंने। और एक बहन जी भी हमारे साथ में, हम इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा। जस्ट अपना नाम और वो चीज़ को बता दीजिएगा आप। क्या नाम है आपका? बिटर बम्यो आपका नाम है। यहाँ में हमने जैसे देखा कि रोड का एक बहुत बड़ा इशू है, रोड जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कभी सरकार का लोग इसको बनाने के लिए या कुछ करने के लिए आया? नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं। कभी नहीं आया ना। और जैसे हमने देखा कि आपका बस्ती में कहीं भी हमको घर भी मतलब वैसा जो गवर्नमेंट वाला जो होता है सरकार का वो भी नहीं मिला है, तो आप लोगों को क्या कुछ जानकारी है? मिलने के लिए कुछ बोला सरकार ने कभी, या एमएलए ने बोला हो कि हम आपको घर देगा, ऐसा कुछ वादा किया? नहीं किया। नहीं। सरकार से क्या क्या सुविधा मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल। कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई सुविधा और दस पेंशन मिल रहा है। वो सबको मिलता है या कुछ कुछ लोगों को? सबको मिल रहा है, और दस पेंशन जो जो 65-60 इयर्स है ना, हाँ। उसको सबको मिल रहा है, जो अदर 60 इयर्स नहीं उसको तो नहीं मिल रहा। और जो विधवा पेंशन होता है वो भी नहीं मिल रहा है? वो भी नहीं मिल रहा, विडो पेंशन नहीं मिल रहा, मतलब जिनका हस्बैंड नहीं हो तो उनको मिलना चाहिए बेसिकली ना? नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा है। तो जो प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि तरह तरह की जो है दुख तकलीफ है लोगों के साथ साथ। अच्छा, ये जैसे हमने देखा बहुत कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं आसपास में, तो क्या कभी दवा का छिड़काव करने के लिए कोई ऑफिसर का टीम आया या विजिट करने के लिए कभी कुछ ऐसा आया? नहीं, कभी नहीं। बीमारी चल रही होती तरह तरह का, आप लोगों को पता है, आप भी पढ़ा लिखा होगा, तो बीमारियों से तो बचने के लिए कभी कभी होता ना कि बैक्टीरिया वगैरह जो उड़ रहा होता है उसको दवा से छिड़काव करने के मारने के लिए दवा आती है, कभी नहीं आया? नहीं। अच्छा, दूसरा चीज़ जैसे आपने कहा कि नहीं आता एग्रीकल्चर करने के लिए, क्या आपको कभी सरकार से कुछ पैसा मिला? भाई आप बताएं थोड़ा इसके बारे में, एक खेती वेती करने के लिए कुछ सरकार की तरफ से आपको पैसा मिला कुछ, प्लांटेशन करने के लिए ऐसा कुछ? नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला।
खेती करने के लिए भी नहीं, खेती करने के लिए खुद के लिए के, खुद का पेट को पालने के लिए खुद खेती करना पड़ता है, झूम खेती। आपके पास खेती है? मेरा पास तो खेती होने से भी हम जून खेती ही कर रहे हैं, पानी खेती आपको नहीं। सरकार से जो प्रधानमंत्री से जो मिलता है सम्मान, किसान सम्मान निधि आती है जो हर 3 महीना में 2000 रुपए मिलता है, वो मिला नहीं मिला? नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, नहीं मिल रहा है उसको। ये तो एक मेजर बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जगह जगह इसका होर्डिंग्स लगवाए हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड लगवाए हैं कि हम लोग हर किसान को दे रहे हैं। और ये भी आपके नाम पे खेती है ना, आपके घर में खेती है ना आपके पास? मेरा नाम में तो खेती है, मेरा खेती को तो हम जून खेती को तो करके चुका है। तो भाई मोदी को ये केस हमसे पामा, बेसिकली जो है लोग बता रहे हैं कि खेती है इनके पास में, उसके बाद भी सरकार से इनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि इनकी सुविधाएं खा कौन रहा है, क्योंकि वहां से तो डॉक्यूमेंट में दिखा दिया था कि लोगों के पास तक सारी सुविधा पहुंच रही, सारी इनके सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब अमूनन हम लोग धरातल पे पहुंचते तो धरातल में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये सामने छोटे छोटे आप बच्चे इनको भी दिखाएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे तो नेटवर्क नहीं होने से आप अनुमान लगा लो कि ये लोग अपना पढ़ाई कैसे करते होंगे। क्या कभी कुछ आप लोग जैसे होता है पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई होती है या कुछ चीज़ों के लिए, तो बच्चों को कैसे आप लोग पढ़ाते हैं? बच्चों को हम लोग ऐसे पढ़ा लेती है, मतलब प्राइवेट स्कूल में तो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के भी तो हम लोग ये इतना ये बड़ा आदमी होने तक तो नहीं पढ़ाता है, क्लास 5-6 तक तो पढ़ाता है। हम लोग बस्ती आदमी कहाँ से रुपया लेगा? तो गवर्नमेंट स्कूल क्या ठीक कंडीशन में होता है या वो भी ऐसे ही? गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसे कंडीशन भी नहीं है, तब भी हम लोग ऐसे रख लेते हैं। तो सरकार से जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, थोड़ा आप आगे आ जाइए बेटा, आप चुप रहना थोड़ा। सरकार से क्या होता है कि कभी कभी जैसे बच्चे होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है, पैसा मिलता है, तो क्या कभी आपको मिला है? सर स्टाइपेंड तो मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड तो। और यूनिफॉर्म वगैरह का? यूनिफॉर्म भी तो ड्रेस भी मिलता है, खुद सिलाना पड़ता है, ड्रेस खुद सिलाना पड़ता है। वहाँ से कम्प्लीट होके नहीं आता? नहीं कम्प्लीट नहीं मिल रहा है, वन टू से लेके मिलता है। उनको क्या यूनिफॉर्म पूरा मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता, पूरा यूनिफॉर्म नहीं मिलता सरकारी स्कूल में ना। मिड डे मील का क्या खाना वगैरह मिलता है? खाना ना तो कभी कभी देते हैं, कभी कभी या डेली? कभी कभी। वो तो नहीं, रूल तो डेली के लिए है ना, वो जो बच्चा लोग बोलते हैं कभी कभी दे रहे हैं, कभी कभी देता है। और ये मोदी सरकार में ना जो गैस मिलता है ना वो भी नहीं मिलता है। उज्ज्वला योजना नहीं मिला आप लोगों को? ये बस्ती में सिर्फ 2 मिला है, अब दूसरा बाकी नहीं मिल रहा, बाकी किसी को नहीं मिल रहा। बीपीएल कार्ड वगैरह है? बीपीएल कार्ड सबका है, एवी कार्ड भी है, लेकिन नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा है। तो कभी आप लोगों ने, कभी आप लोगों ने क्या इसका शिकायत अपने ऑफिसर से या एमएलए से कभी इसका किया कि हम लोगों को जो सुविधा मिलती है वो नहीं मिल रहा है? कभी एमएलए से नहीं बोला? एमएलए से लोगों ने उम्मीद भी कैसे करेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए जो रास्ता आप, यही जो ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता अंदर बस्ती कनेक्ट करने के लिए यही रास्ता है या कोई ऊपर से हाईवे वगैरह भी मिला? यहाँ से जैसे जाते यहाँ से डाउन होके हम लोग जाना पड़ता है। तो यहाँ में तो गाड़ी वगैरह तो नहीं जा पाएगा? गाड़ी तो घुसने से कहीं नहीं, तकलीफ है, बीमार आजार होने से हम लोग इतना तकलीफ होता है। हम लोग उधर से नीचे से बुक के बदन में बुक के हम लोग रोड में पहुँचाना पड़ता है। और ये ऊपर का रोड का कंडीशन भी कोई बहुत अच्छा नहीं, वो भी खराब, उसके लिए क्या करें? वो तो पीएमजीवाई का है, वो तो हम लोग का रास्ता नहीं है, वो तो गवर्नमेंट पीएमजीवाई मतलब सरकार के रास्ता आपके लिए बनाया ना वो सरकार, उसमें मोदी थोड़ी दौड़ रहे हैं, उसके गर्मा थोड़ी दौड़ रहे हैं। आप लोग के लिए रास्ता खराब नहीं है, मतलब खराब है या नहीं है? रास्ता तो खराब है, उसको कभी ठीक करने के लिए टीम नहीं आता? उसको ठीक करने के लिए भी नहीं आता है। ठीक करने के लिए कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ में तो क्या होता है कि उसके लिए भी ठीक करने के लिए भी तो तरह तरह के वो टेंडर निकाले जाते हैं, टेंडर में कमीशन भी चाहिए होता है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों का, जो यहाँ का जो दुख दर्द है वो बहुत बड़ा इशू है। तो ये न्यामार करबा का डेवलपमेंट और इसी डेवलपमेंट को हाइड करना चाहते हैं। तो टाइट टू लिरोमोवा के रास्ते पे हूँ, दरअसल ये लिरोमोवा के लिए ADC सर्कल लिरोमोवा जो है वहाँ जाने के लिए इकलौता रास्ता है, ये सिंगल वे रास्ता है। और रास्ते का कंडीशन भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से रास्ते को डेवलप किया गया है। यहाँ के लोकल MLA न्यामार करपक है। लिरोमोवा की अगर हम लोग बात करते तो ADC जो सर्कल बना हुआ था ये 1952 में बना हुआ था, मतलब आज़ादी के 5 साल बाद ADC सर्कल बना हुआ था। डेवलपमेंट भी काफ़ी कुछ होना चाहिए था, लेकिन डेवलपमेंट अभी तक वहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। देखने को मिला तो केवल इस जैसे जैसे रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ता। और रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे गाड़ी जो है एक दूसरे के 4-व्हीलर ओवरटेक तक नहीं कर सकेगा, यानी सिंगल लेन रास्ता है। और ADC सर्कल आप कहीं भी जाएंगे, किसी पर आप अगर ADC सर्कल में जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है वहाँ पे एक हाईवे होता है, लेकिन यहाँ हाईवे तो छोड़ो ना, सिंगल रास्ता जो है वो भी बिल्कुल खराब सिचुएशन, उसको भी डेवलप नहीं किया गया है। और इसमें रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई सड़क बनती है तो 5 साल तक वो खराब नहीं होनी चाहिए, 1 साल तक खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बनते ही खराब हो गया। इसको RD कॉन्ट्रेक्शन जो है तवांग की किसी कंपनी ने काम किया हुआ है, जिसका नतीजा आपके सामने है, आप इसको देखेंगे दूर दूर तक देखेंगे। तो ये प्रकार से इसको डेवलप किया गया है। और यहाँ के माननीय विधायक न्यामार करबक ने इसी को डेवलपमेंट में दिया है, या फिर बोले हम लोग
यही उनका अचीवमेंट है, इसी अचीवमेंट को लोग दिखाना चाहते हैं और इसी अचीवमेंट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये आप देखिएगा रोड को, आप जहाँ तक ऐसे देखते जाएंगे दूर दूर तक आपको यही दिखाई पड़ेगा।